नमस्कार। आज जो गीत हमने लिया है उस गीत को मैं चमत्कार कहना चाहूँगी। अब आप पूछेंगे चमत्कार क्यों? तो चमत्कार वो होता है जो दिखाई कुछ और देता है और दरअसल होता कुछ और है। इस गीत के बारे में भी यही खास बात है। वैसे तो बहुत सारी खास बातें, लेकिन ये जो खास बात है वो इसलिए क्योंकि गीत है तो रोमांटिक। जब आप सुनते हैं ऊपरी तौर पर तो आपको लगता है रोमांटिक गीत सुना है, लेकिन जब इसका असर आपके ऊपर होने लगता है और जब आप इसकी उस ऑरा में या उस असर में जब होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आपने कोई सूफियाना कलाम सुना है जो आपकी रूह तक उतर गया है। और इस गीत के इस चमत्कार के पीछे का कारण इसके शब्द, इसका संगीत और इसकी आवाज़ है लता मंगेशकर जी की, जो कि बहुत ही जादुई चमत्कारी का आवाज़ है, हम सभी के दिलों पर राज करती है। और संगीत जो है वो खयाम साहब का है। खयाम साहब के संगीत की एक खासियत ये है कि खयाम साहब का संगीत किसी भी पोइट्री को, किसी भी लिरिक्स को एक बहुत ऊंचे और आला दर्जे पर ले जाकर रख देता है। इस तरह की खासियत है उनके संगीत में। ये मैंने हमेशा ही महसूस किया जब भी उनके संगीत निर्देशक के गीत सुने हैं। और तीसरा कारण जो इस गीत को जादुई या चमत्कारी बनाते हैं वो है इसके शब्द। और इसके शब्द लिखे हैं जानिसार अख्तर साहब। जानिसार अख्तर साहब, आज की जनरेशन के लिए बता दूं, फरहान अख्तर के दादाजी और जावेद अख्तर साहब के पिता। अब आप सोच सकते हैं इतनी रईस कलम से निकले हुए शब्द जब खयाम साहब के म्यूज़िक से मिलते हैं और लता जी की आवाज़ उसमें शामिल हो जाती है तो क्या मिलता है? आप एक मास्टरपीस, एक चमत्कार। तो आज ये गीत आप सबके लिए। फिल्म का नाम है शंकर हुसैन और इसका संगीत निर्देशन खयाम साहब का, आवाज़ लता मंगेशकर जी की और शब्द जानिसार अख्तर साहब के। इस चमत्कार में खो जाइए और इस गीत को रूह से सुनिए।